Welcome to my channel, The Art of Science. Today, we are going to study a new part of the chapter 5, that is sheep rearing. Means, sheep कैसे पाले जाते हैं और क्यों पाले जाते हैं. तो we have already studied, हम लोगों ने पढ़ चुका है already, that sheep is reared for its wool and also for the flesh. सिर्फ दो चीज के लिए पाले जाते हैं, पहला तो उनके ऊन के लिए और दूसरा उनके मांस के लिए. बहुत सारे कंट्री में सिर्फ के मांस को लोग खाते हैं. ओब्वियसली सिर्फ इज द ह्यूज सोर्स ऑफ उल, मींस सबसे ज्यादा यदि उल निकाला जाता है तो सिर्फ से निकाला जाता है. सो व्हाट इज सिप रियरिंग, सिप रियरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज सिप रियरिंग, सिप रियरिंग क्या है, लेट अस स्टडी. Sheep farming, or what is sheep farming? Sheep farming means rearing and breeding of sheep. Rearing means पालना और breeding मतलब उनका बच्चा पैदा कराना, उनका देखभाल करना, उनका केयर करना, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों से भी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन निकाला जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा. सो this all together called sheep rearing or sheep farming. Sheep rearing or sheep farming एक ही चीज है. Next comes, where are the sheep reared in India? I think you have seen the sheep in your villages and all. So many people have seen all, I think बहुत लोगों ने sheep देखा ही होगा. But mainly sheep is reared in Rajasthan, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर डन ड्यू टू द सम एनवायरमेंटल एंड एडिफिक कंट्री कंडीशंस. वहाँ के मिट्टी अच्छे नहीं होने के वजह से लोग वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर पाते. तो जिन जगहों पर एग्रीकल्चर कम होता है उन जगहों पर लोग क्या करते हैं, हाँ सिप रियरिंग जैसे काम को करते हैं ताकि उनका आमदनी, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो बना रहे और वहाँ से उनको खाने को मिल सके. सो इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ व्हाट डू द सिप ईट, तो मैंने क्या कहा, जिन जगहों पे खेती बाड़ी नहीं होती या बहुत कम खेती बाड़ी होती है उन जगहों पे जमीन में ग्रासेस तो होते होंगे ना. सो सिप मेनली फीड ऑन ग्रास. सिप क्या खाता है, ग्रास खाता है. इसके अलावा लोग उन्हें मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रासेस एंड ग्रेन्स, मतलब बहुत सारे दाल, इसके अलावा सूखा हुआ घास, बहुत सारे घर में जो खराब पड़े हुए छोटे टूटे हुए जो दाने होते हैं चावल के, गेहूं के, वो सब खिलाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द जनरल लाइफ स्पैन ऑफ सीप. लाइफ स्पैन मीन्स कितने दिन तक जिंदा रहता है. सो जनरली लीव द सीप लीव्स अबाउट 11 टू 12 ईयर्स, यानी 11 से 12 साल तक सीप जो है वो जिंदा रहता है. नेम एनी थ्री ब्रीड ऑफ सीप फाउंड इन इंडिया. तीन के बारे में बात की गई है और मैं यहाँ 6 दे रखा हूँ और इसको लर्न करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर 6 मेन वैरायटी ऑफ सीप हैज बीन गिवन बाय मी इन दिस आंसर्स. यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीप दैट इज फाउंड इन इंडिया. फर्स्ट इज लोही, सेकेंड इज रामपुर बुशहर, थर्ड इज नाली, फोर्थ इज बखरवाल, फिफ्थ इज मारवाड़ी एंड सिक्स्थ इज पतनवाड़ी. यू हैव टू लर्न ओनली 3 ऑफ दिस 6. सो आई थिंक यू आर अंडरस्टूड. यू हैव टू लर्न द नेम बिकॉज दीज आर द कॉमन वेराइटी दैट आर फाउंड इन इंडिया एट द डिफरेंट प्लेसेस, लाइक मारवाड़ी मेनली फाउंड इन द राजस्थान. सो नेक्स्ट कम्स व्हाट इज सीयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पिक्चर दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर. It is a very common cartoon or picture that has been explaining how the sheep reared and how the
उल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप. शिप से कैसे उल निकाला जाता है ये यहां पर दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस फिगर. व्हाट द पर्सन इज डूइंग. द पर्सन इज रिमूविंग द अपर फ्लीश और हेयर विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू या रेजरिंग द बियर्ड. जिस इंस्ट्रूमेंट से दाढ़ी बनाते हैं ना उसी इंस्ट्रूमेंट से इसके बाल को अलग किया जा रहा है. पहले बाल को अलग किया जाता है फिर उस बाल को क्या बनाया जाता है. इट मेक्स अ बंडल. इसका बंडल बनाया जाता है फिर उसके अंदर बहुत सारी गंदगियां होती हैं. उस गंदगियों को धो करके निकाला जाता है साफ किया जाता है फिर उसके उस बाल को लंबा लंबा करके सजा करके उसको पिरोने का काम किया जाता है. उसमें से जो बेकार के होते हैं खराब होते हैं उसको छांट के अलग कर दिया जाता है. जो अच्छे होते हैं उनका स्पिनिंग करवा करके उसकी सूत बनाई जाती है और फिर उस स्पिनिंग होने के बाद वो उनमें कन्वर्ट हो जाता है. तो आई थिंक आप लोगों ने ये पैटर्न देखा किस पैटर्न में जो है ऊन बनाया जाता है. अभी हम लोग यही स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी द सेम दैट यू हैव सीन ऑलरेडी. सो बॉयज एंड गर्ल्स नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज शियरिंग. एज आई टोल्ड द हेयर इज रिमूव फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ द स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल और उल एल्डिंग एनिमल. यू कैन से फ्रॉम शिप ऑल्सो. सो लेट अस स्टडी शियरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शियरिंग. Removing, you are removing, you are erasing, you are razoring, collecting from wool yielding animal. This is called shearing. So this is done without hammering the animal. Animal ko koi kasht nahi pahuncha chahiye. Without harming the animal by using shearing tools. Shearing tools. Maine abhi kya kaha? Jis jaise हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना मेल पर्सन्स जो दाढ़ी बनाते हैं तो जिस तरह का रेजर यूटिलाइज करते हैं सेम उसी तरह का रेजर और ट्रिमर होता है जिससे इन लोगों की सेविंग की जाती है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक दैट इज शियरिंग. द नेक्स्ट टॉपिक व्हेन इज शियरिंग प्रैक्टिस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट टू बी नोटेड. व्हेन शुड वी शियर और when should the shearing be practiced. Shearing कब करना चाहिए. You know well the organism or wool yielding organism. The organism whose body is covered by wool is get protected in the season of winter. मतलब क्या हुआ कि जो organism जिनके शरीर में wool होता है ऊपर वाले ने भगवान ने गॉड ने उनको वो हेयर क्यों दिया है ताकि वो प्रोटेक्टेड हो सके विंटर सीजन में. तो क्या विंटर सीजन में काटना सही होगा. ऑब्वियसली नहीं क्योंकि यदि विंटर सीजन में काट दिए तो क्या होगा उनको ठंड लग जाएगी वो मर जाएंगे. यस तो शियरिंग जो है वो हम लोग समर के सीजन में करेंगे ताकि उनको ठंड में कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक फिर से बाल उगाए और उनको प्रोटेक्ट करें. सो शियरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द समर सीजन. पॉइंट टू बी नोटेड. एंड दिस अलाउ द एनिमल टू ग्रो बैक हेयर ताकि फिर से उनके जो हेयर्स हैं वो वापस आ जाए बाय द टाइम इन विंटर सीजन. विंटर अराइव्स तब तक जब तक कि विंटर आए तब तक इनके बाल फिर से वापस आ जाए. द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड बाय द शिप इज अबाउट 1 to 3 kg. एक उल एल्डिंग एनिमल यानी कि सिप से कितना बाल निकलता है लगभग 1 to 3 kg हेयर्स यानी उल्स निकाले जाते हैं. आई थिंक अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज स्काउरिंग. व्हाट इज स्काउरिंग. स्काउरिंग क्या होता है. जो उल निकाला गया है जानवरों के बॉडी से उसमें बहुत सारी गंदगियां मिट्टी कचरे क्या क्या होते हैं. तो क्या लगता है वैसे ही बाल को उठाकर रखना चाहिए क्या कि उसको साफ करना जरूरी है. हाँ वेरी गुड. उसको साफ करना जरूरी है
तो साफ करने का जो प्रोसीड्योर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्काउरिंग कहते हैं। वेरी गुड, सही पकड़े। इट कंटेन द डस्ट, जो उल निकाला गया उसमें बहुत सारा डस्ट है, एंड डर्ट, और डर्ट भी है। देखो जी, फिर से देखो आप लोग, डस्ट एंड डर्ट, therefore requires thorough cleaning, साफ करने की thorough cleaning की जरूरत होती है। और इस cleaning को ही हम लोग क्या कहते हैं? This is called scouring, इसी को हम लोग scouring कहते हैं। It makes the wool suitable for making fabrics, इसी से fabric बनाया जाता है, यानी कि इसी से ऊन बनाया जाता है, और यही ऊन जो है scouring बाद में कपड़े बनाने में मदद की यूटिलाइज की जाती हैं और मदद में लाई जाती हैं। सो स्कोरिंग इन्वॉल्व वॉशिंग, स्कोरिंग में क्या क्या होता है? धोना, स्कोरिंग द शॉर्न उल, जो गंदे कचड़े उल होते हैं उनको धोया जाता है इन हॉट वाटर। कैसे वाटर में? हॉट वाटर, और किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के माध्यम से, एंड देन इट इज ड्राइड, और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। तो स्कोरिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? स्कोरिंग में जो उल निकल के आता है उसको सरफ से, साबुन से उसको धोया जाता है गर्म पानी में, फिर निकाल के उसको सुखाया जाता है। तो ये तो हो गई गंदगी साफ। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? अब आएगी बारी घर के महिलाओं की, जो इसमें बहुत अच्छे से परांगत होती हैं और जानती हैं कि कौन सा उल जो है वो अच्छा है और कौन सा उल जो है वो खराब है। ऐसे बहुत सारे पुरुष यानी मेल पर्संस भी ऐसे काम करते हैं। व्हाट आई टोल्ड यू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। शॉर्टिंग मींस यू हैव टू शॉर्ट आउट द बैड क्वालिटी फ्रॉम द गुड क्वालिटी ऑफ उल, मींस द उल व्हिच वी गेट फ्रॉम द एनिमल, दैट इज उल एल्डिंग एनिमल, कंटेन बोथ द गुड एंड बैड क्वालिटी ऑफ उल। सो शॉर्टिंग इज डन इन ऑर्डर टू classify or divide the good quality from the bad quality. So read it, the damaged and inferior wool is carefully removed, and this process is called sorting. If you have sorted the damaged hair and inferior wool, now it becomes upgraded. So grading means quality, the level of quality. Quality may be good quality, medium quality, bad quality. So the wool is also sorted according to length, on the basis of which kind of character is the wool sorted. उल को किन किन आधारों पे sort किया जाता है? उनके length के आधार पे. It is sorted on the basis of its length, its color, इस टेक्सचर, कितना सॉफ्ट है या हार्ड है, टेक्सचर। सो उल इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ, इट्स कलर एंड इट्स टेक्सचर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडिंग, मींस क्वालिटी मेंटेन्ड। सो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ उल इज कलेक्टेड इन डिफरेंट वे एंड इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड ऑन दिस बेसिस द उल इज सोल्ड इन द मार्केट। Obviously, I think आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। The price of the wool is determined by the grade, यानी quality के आधार पे price determined होता है। जो best quality होगा उसका कीमत obviously बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। The fine wool is priced high, जो सबसे पतले, soft, सुंदर, देखने में सुंदर, texture में soft, लंबे होंगे, उनकी कीमत market में ज़्यादा होगी। और जो texture जिनका मोटा होगा और रफ होगा, है ना, वो जो है वो उसका कीमत जो है कम होगा। फाइन वूल इज मेड बाय द लेंथ वाइज टेक्सटाइल। फाइन वूल जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं और सुंदर होते हैं देखने में भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? जो उल है उसको, उल को उन बनाने के पहले, उल को जब पिरोया जाता है यानी कि जब स्पिन किया जाता है, तो स्पिनिंग के पहले उसको कंघा किया जाता है। कार्डिंग मीन्स जैसे बाल को हम लोग कंघा करते हैं ना, वैसे ही उल को कंघा करते हैं, ताकि कोई भी उलझा हुआ उल रहे ना तो वो बाहर निकल जाए। सो इस प्रोसेस को ही हम लोग कार्डिंग कहते हैं। कार्डिंग मीन्स बिफोर
कार्डिंग मीन्स बिफोर उल कैन बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के पहले इट इज स्ट्रेटन एंड क्लीन, इनको कंघी के माध्यम से, जाली के माध्यम से सीधा किया जाता है। एंड दिस टैंगल्ड फाइबर आर सेपरेटेड, जो उलझे हुए बाल होते हैं, टैंगल्ड फाइबर, टैंगल्ड फाइबर मीन्स उलझे हुए बालों को अलग कर दिया जाता है ताकि बाल लंबे लंबे और सीधे सीधे हो जाए, जो उलझे हुए बाल हैं वो अलग हट जाए, निकल जाए, बाहर फेंक दिया जाए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग, कार्डिंग किया कैसे जाता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, चलो देखते हैं कैसे किया जाता है कार्डिंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ कार्डिंग द उल फाइबर आर पास्ड टू द सीरीज ऑफ मेटल टीथ, बहुत सारे मेटल यानी कि लोहा का बोल सकते हो, वो दांत जैसा होता है, उसी के थ्रू जो है वो हेयर क्रॉस करते हैं। सो कॉम्बिंग हो गया, कंघी की तरफ देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है, कंघी की तरह वो बाल को झाड़ दिया, सीधा कर दिया। सो थ्रू द सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेथन, स्ट्रेटन मतलब स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड द फाइबर, द उलन फाइबर आर गिवेन द डिफरेंट कलर, उलन फाइबर का बहुत सारा कलर होता है, उसके बाद कलर किया जाता है यूजिंग टाई, मतलब जब वो साफ हो जाता है, सीधा हो जाता है, उसके बाद उस सभी बालों को कलर में डुबो दिया जाता है, आर्टिफिशियल डाई में डुबो दिया जाता है, आर्टिफिशियल केमिकल कलर में डाल दिया जाता है, ताकि उनका जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन, सुंदर से सुंदर, सुंदर और अट्रैक्टिव कलर्स आए, ताकि उसका मार्केट प्राइस अच्छा हो। कैसा लग रहा है क्लासेस, समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? देखो यहाँ पे कितनी अच्छी से कितने अच्छे से दिखाया गया है इस फोटो को, मैं देखो कार्डिंग, और कार्डिंग के बाद देखो ये सिप का उल बाद में जब निकल के आया उसको कलर कर दिया, कलर करने के बाद अलग से दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग मीन्स अब तो बाल लंबे लंबे आ गए, अब उसको क्या करना है, स्पिन करना है, उसको पिरोना है, एक दूसरे में लपेट देना है ताकि उससे रस्सी बन जाए। जैसे गांधी जी क्या करते थे, चरखा चला करके रुई को लपेट लपेट के रस्सी बनाते थे, वैसे ही इसी को बोला जाता है स्पिनिंग। सो व्हाट इज स्पिनिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द कार्डेड उल, मतलब जो उल आपने स्ट्रेट किया, इज देन स्ट्रेच लंबा किया जाता है, एंड ट्विस्टेड इनटू थीन यान, और उससे क्या बनाया जाता है, ऊन बना दिया जाता है। दिस थीन यान इज स्पन, अब उस यान को और लपेटा जाता है, एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्टैंड ऑफ यान, मोटा ऊन बना दिया गया, एक पतले से ऊन के ऊपर में बहुत सारे लेयर चढ़ा करके उसको मोटा ऊन बनाया गया। दिस उलन यान इज वोवेन, अब उसको क्या किया जाता है, वीव किया जाता है, वीव मतलब एक के ऊपर एक चटाई की तरह, जैसे खटिया और चारपाई को बुना जाता है ना, आपने रस्सी को, रस्सी के एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए देखा होगा बुनते समय, वैसे ही ऊन को लेकर के भी बुना जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ा करके बुना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वीविंग, यानी इससे ऊन का कपड़ा तैयार होता है। जैसे मम्मी, आप लोगों की मम्मी या आपकी दीदी क्या करती हैं, निटिंग करती है ना, स्वेटर बनाती हैं, तो क्या करती हैं, उनको बुनती हैं, वो हैंड वीविंग है, और इस हैंड वीविंग को हम लोग नीटिंग कहते हैं, लेकिन जब मशीन में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वीविंग। तो उनको वीव कर दिया जाता है और उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, एंड विच इज देन यूज टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उससे जो है मार्केट में सेल किया जाता है। ये तो हो गई बात। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। नाउ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग उल, उलन क्लॉथ, ये उलन क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव हियर, यू कैन सी इट इज द डिस्क्रिप्शन, सो यू शुड मेक द आंसर बाय योर सेल्फ, अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द उल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर विद द उल, मतलब आप लोगों बहुत दिन से उलन क्लॉथ ठंडे के मौसम में पहनते हो, यू शुड नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द उल, कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही होगा। सो लेट अस रिमाइंड इट वंस मोर, उल इज अ फैब्रिक, उल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, पानी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द बॉडी एंड रिटेन इन इट इन साइड द फाइबर, पानी को एब्जॉर्ब करके फाइबर में अपने पास दबा के रखता है, निकालता नहीं, तो इसके पास पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, उल कैन बी कलर्ड, उल को कलर्ड कर दिया जा, कलर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया
इट इज कलर्ड बाय अ केमिकल डाई. केमिकल डाई से, डाई मतलब कलर से, इसको केमिकल कलर से इसको कलर्ड किया जा सकता है. वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वूल दैट इट डज नॉट बर्न इजली. वूल जल्दी जलता नहीं. यही कारण है कि जब कोई जलता है या किसी चीज को बुझाना होता है तो उसके ऊपर में कंबल फेंकते हैं. क्यों? कंबल जलता नहीं है, भरसक जलते हुए चीज को बुझाने में मदद करता है. सो वूल डज नॉट गेट बर्न इजली. ऑब्वियसली द वूल विच गेट बर्न इज अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ वूल. आप लोग वूल को जलते हुए देखे होंगे बहुत बार. वो जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है, वो जल्दी जल जाते हैं क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के तैयार होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं. यू विल स्टडी दिस थिंग्स इन क्लास 8. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वूल इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल प्रोटीन. वूल इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ नेचुरल प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. सो इट ए काइंड ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो इट इज बायोडिग्रेडेबल, मीन्स इट डज नॉट हार्म द नेचर. ये नेचर को गंदा नहीं करता, सॉइल को पल्यूट नहीं करता, क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन का बना होता है और इजिली डिकम्पोज हो जाता है. वूल डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट. वूल जो है अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता और बाहर के ठंड को अंदर नहीं जाने देता. मीन इट बिकम अ बैरियर बिटवीन द कोल्डनेस एंड हॉटनेस. इट हैज सो मेनी टाइनी गैप्स बिटवीन द फाइबर्स. फाइबर्स के बीच में बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं इन विच हीट अप द मॉइस्चर. जो मॉइस्चर वहां रह जाता है उसको भी गर्म कर देते हैं. एंड जैसे ही वो मॉइस्चर गर्म हो जाता है, एट द सेंटर द फाइबर हीट अप, फाइबर भी गर्म हो जाता है एंड मेकिंग द वूल परफेक्ट इंसुलेटर. मतलब अंदर यदि मान लो पानी एब्जॉर्ब हो गया तो अंदर की गर्मी से पानी गर्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब जो वेपराइज हुआ हुआ है, और वो वेपराइज कंडीशन जो है वूल को गर्म कर देगा. और जैसे वूल गर्म हो जाएगा अंदर और ज़्यादा गर्मी का एहसास कराएगा. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड. पानी मतलब स्वेट, पसीना, पॉइंट टू बी नोटेड. पानी का मतलब अंदर से कहाँ से पानी आएगा, पानी मतलब स्वेट. जब स्वेट आ करके उल पे चिपकता है, उल क्या करता है, वो जो स्वेट है यानी कि पानी, उसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वही हीट जो है वो उल को देता है और वही हीट को उल पा करके और ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंड का एहसास नहीं होने देता. सो फॉर टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट शिप रियरिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द उल. फॉर टुडे दैट मच. वी विल स्टडी लेटर ऑन सेरिकल्चर द दिस टॉपिक. या फॉर टुडे दैट्स ऑल. बाय. आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप. यू हैव टू डू द आंसर फ्रॉम देयर एंड रिमेंबर टू मेक द नोट्स that has been given over here. I think all of you have learned well. If you have any kind of problem, you can personally WhatsApp me. Bye.